दोस्तों, क्या आपके मोबाइल की स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है, बहुत जल्दी भर जाता है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? आप अपने मोबाइल के अंदर न तो ज्यादा एप्स रखते हैं, न तो ज्यादा वीडियो रखते हैं, न ज्यादा फोटो रखते हैं, फिर भी आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है बहुत जल्दी फुल हो जाता है, बहुत जल्दी भर जाता है। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यहाँ मैं तीन ऐसे ट्रिक लाया हूँ। अगर आप इन तीनों ट्रिकों को अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, लगा लेते हैं, आपके मोबाइल की स्टोरेज जो है जिंदगी भर नहीं भरेगा, जिंदगी भर खाली रहेगा। अगर आप भी इन तीनों ट्रिकों को लगाना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जिससे आपके मोबाइल की जो स्टोरेज प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करता हूं पहले नंबर ट्रिक से। पहला नंबर ट्रिक ये है, आप सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। उसके आपको राइट साइड में देखेंगे तो आपको प्रोफाइल दिखाई देगा, आपको इसी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके आपको दिखाई देगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके आपके सामने इस तरीके दिखाई देगा, आपको मैनेज पे क्लिक कर लेना है। उसके आपके सामने इस तरीके दिखाई देगा, आपके फोन में जितना कुछ इंस्टॉल्ड ऐप रहेगा इस तरीके से दिखाई देगा। आपको जो इंस्टॉल्ड करके लिखा है इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। उसके जो दिखाई दे रहा है नॉट इंस्टॉल, नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। आपके फोन में जितना एप्स नॉट इंस्टॉल हो चुके हैं, अनइंस्टॉल हो चुके हैं, वो सब ऐप दिखाई देगा जो आपने कभी न कभी इस्तेमाल करके इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। और आपका जो ये डेटा है वो आपका जो स्टोरेज फुल करता है, भरता है, जितना एमबी का आपका ये डेटा रहेगा उतना आपका जो स्टोरेज फुल करेगा उतना भरेगा। इसीलिए आप इसे करिए क्या, क्लीन कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, इस तरीके से आप टिक कर दीजिए, जितना ऐप्स आप इस तरीके से टिक कर दीजिए, जैसे मैं टिक कर दे रहा हूँ इस तरीके से आप सभी को टिक कर दीजिए। उसका जो डिलीट दिखाई दे डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे जितना है सबको डिलीट कर देना, आपको यहाँ पे एग्जांपल तौर पे दिया हूँ, डिलीट करके दिखाया हूँ, इस तरीके से आप सभी को डिलीट कर दीजिए। दूसरा ट्रिक आपको ये लगाना है, आपके फोन में अगर 50 ऐप है, 60 ऐप है, 70 ऐप है, अगर आपको लगता है कि उनमें से कुछ ऐप मैं प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उन ऐप्स को पहले आप डिलीट कर दीजिए या फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे बेनिफिट दो होगा, आपका पहला बेनिफिट ये होगा स्टोरेज आपका कुछ कम हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका मोबाइल अगर लैग कर रहा है तो वो भी लैग भी नहीं करेगा। भाई कोई भी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं शुरुआती दौर में, आप देखते हैं वहां पे कम ही एमबी का रहता है, लेकिन उसे जब कुछ दिन यूज कर लेते हैं उसका स्टोरेज जो है जीबी में बदल जाता है, ज्यादा जीबी में बदल जाता है, और जिससे आपके मोबाइल की स्टोरेज जो है फुल हो जाता है। एग्जाम्पल तो दिखाने के लिए जैसे मैं काइन मास्टर की उंगली से थोड़ा टाइप कर दबा ले रहा हूँ, उसका जो दिखाई दे रहा है ऐप इन्फो में आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज जो दिखाई दे रहा है 4.33 जीबी का दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। शुरुआती दौर में प्ले स्टोर से काइन मास्टर डाउनलोड किया था वो 50 से 100 एमबी के बीच में ही था, अब 4.33 जीबी हो चुका है, जो हमारे मोबाइल की स्टोरेज जो है फुल कर रहा है, भर रहा है। इसीलिए इसे करना क्या होगा, आपको क्लियर डेटा पे क्लिक कर लेना है, क्लियर ऑल डेटा नहीं करना है भाई, आपको क्लियर कैच पे क्लिक कर लेना, ओके कर लेना है। इस तरीके से जो है आपके मोबाइल जितना एप्स हैं उन सब एप्स में जाके क्लियर कैच कर दीजिए, आप मोबाइल की जो स्टोरेज है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तीसरा वाला ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो ट्रिक के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग दिखाई देगा, एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके फोन में यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, आपको यहाँ से बैक होकर के आपको आना है, अबाउट फोन में आना है, आपको यहाँ पे देखेंगे तब आपको दिखाई देगा बिल्ड नंबर दिखाई देगा या फिर MIUI वर्जन दिखाई देगा। आपको वहाँ पे 7 से 8 बार जल्दी जल्दी टैप करेंगे, आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। अनेबल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आपके फोन में भी डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप इसे अनेबल कर लेते हैं आपके मोबाइल की स्टोरेज जो है जिंदगी भर नहीं भरेगा, आप कितना कुछ भी यूज करिए लेकिन आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल नहीं होगा, नहीं भरेगा। और ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फोर्स अलाउ एप्स टू राइट ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज, आप इसे सबसे पहले अनेबल कर दीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल में जो है जहाँ पे आप सिम लगाते हैं वहां पे एक मेमोरी कार्ड लगा दीजिए, 32 जीबी, 64 जीबी, 8 जीबी, जितने जीबी का लगाना चाहिए उतना लगा दीजिए। अब क्या होगा, आप मोबाइल की कोई फोटो होगा, कोई वीडियो होगा, जो कुछ भी डाउनलोड करेंगे वो सब के सब आपका मेमोरी कार्ड में सेव होगा, आपका जो रैम में सेव नहीं होगा, इंटरनल स्टोरेज में सेव नहीं होगा, आपका
इंटरनल स्टोरेज जिंदगी भर खाली रहेगा, कभी भी नहीं भरेगा भाई। आपको जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, आपका मेमोरी कार्ड है, उसमें आपका सेव होगा। इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल की जो स्टोरेज है उसे आप खाली कर सकते हैं जिंदगी भर के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।